लोक निर्माण विभाग ज्वाली के अधीन भ्रमाण द्रकाटी ज्वाली संपर्क मार्ग पर सिद्धपुर घाट में खड पर बने पुल की अप्रोच बाल ही बह गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि इसके ऊपर से कई बसें व अन्य वाहन गुजर गए। इस मार्ग पर काफी ज्यादा ट्रैफिक रहती है। इसकी सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ज्वाली के XEN अरुण विशिष्ट स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंच गए तथा स्थिति का जायजा लिया। इसको दुरुस्त करने की JCB सहित सरकारी अमला को लगाया गया। कार्य समाप्ति तक इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। XEN अरुण विशिष्ट ने कहा कि इस पुल की अप्रोच बाल को ठीक करने का कार्य चालू कर दिया है तथा फिलहाल ट्रैफिक बंद कर दी गई है। कुमार जी, मेंबर हूँ सिद्धपुरगढ़ पंचायत का, BDC सिद्धपुरगढ़ से। जी सर, देखो ना, बारिश के कारण ये सड़क धस गई है, तो इसका जल्दी जल्दी प्रबंधन हो जाए। हाँ जी, क्योंकि जाता भी अवरुद्ध हो रहे हैं, तो हमारी तो यही है, महकमे से भी गुजारिश है और आपसे भी, सभी से ही है कि जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। आपको कब जानकारी हुई थी? मेरे को सुबह 8 बजे। उसके बाद आपने फिर जय साहब जो फोन किया। अच्छा, हाँ जी, तो प्रशासन यहाँ पे पहुँच चुका है। हाँ जी, तो क्या मांग रखते हैं? मांग ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ जी, राहुल मीडिया सर, आप यहाँ पे जो आपके पास एरिया है? हाँ जी जनाब। तो ये जो जानकारी है मिली थी, कब मिली थी आपसे? जनाब मुझे सुबह 10 बजे के करीब मिली जानकारी इसकी, 10:30 के करीब। हाँ जी जनाब। तो अभी आगे का प्लान क्या है जनाब? इसमें जो हम ऊपर से जो निकली हुई है इसका हम फिलिंग करवा देते हैं। इसमें भी JCB और ड्रम नेटी पर बुलाया हुआ है, तो हम इसके ऊपर फिलिंग करवा देते हैं। दोबारा जो नीचे से निकल गया ना सारी, जो उसमें हम फिलिंग करवा देंगे। अभी कुछ देर के लिए तो बंद करना पड़ेगा, जब तक फिलिंग हो जाएगी उसके बाद हम इसको दोबारा से चालू कर देंगे उसको। हाँ जी, ये सड़क जो है ना, ये जो ब्रिज है यहाँ पर, इसके टवाड़ सिद्धपुर घाट साइड में, ये ब्रिज के बिल्कुल जहाँ ये सिद्धपुर घाट साइड में एंड होता है, वहाँ पर जो नीचे जो फिलिंग थी ब्रिज अंदर, जो रोड के अंदर जो फिलिंग कर रखी थी अप्रोच साइड में, दोनों तरफ इसमें रिटेनिंग वाल्स लगी हुई हैं और बीच में फिलिंग कर रखी है और उसके ऊपर टारिंग है, BC है, PC वगैरह के कोट करे हुए हैं उस पर। तो ये किसी कारणवश ये जो ज़मीन नीचे धंसने की वजह से, नीचे कहीं खड्ड में ज़मीन धंस गई है, तो उसकी वजह से जगह, वो जो मटेरियल था जो फिलिंग का, वो नीचे बैठ गया है, तो उसी वजह से ये अच्छा एक हादसा होते होते बच गया यहाँ पर। ये लोगों ने या किसी ने इसके बारे में जैसे ही विभाग को बताया, तो हम लोग मौके पर आ गए हैं और इसको हम बहुत जल्दी, हमारी मशीन भी यहाँ पर आ गई है, JCB आ गई है, टिप्पर वगैरह, और हम बहुत जल्दी इसको जो हम दुरुस्त कर देंगे और ये भी इसका कारण भी देखेंगे नीचे के किस वजह से ये जगह बैठी है, और विभाग जो है ना वो काम पर लग गया है और बस 2 या 3 2.5 घंटे के अंदर अंदर हम इसको तैयार कर देंगे। तो होगी, लेकिन वो फिलिंग नीचे कोई जगह बैठ गई, कोई नीचे कोई ज़मीन में कोई एक्टिविटी हुई है कोई इस तरह की, या पानी की वजह से कोई जगह बन गई है तो तब बैठ गई है, लेकिन ना उसको हम फिल कर देंगे और उसको चेक भी करते रहेंगे बार बार के, ऐसा ना हो कि ये इस तरह की प्रॉब्लम कहीं दोबारा हो जाए। एक सर, ये साइड रेलिंग जो है पुल की साइड रेलिंग है, ये पिछले 2-2.5 साल से ये टूटी हुई है। हाँ जी, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आप मौके पे वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे ये रेलिंग टूटी हुई है साइड? हाँ, ये मैंने आज ही बोल दिया उनको, JEE को भी बोल दिया, और हम जल्दी ये रेलिंग जहाँ भी कोई कमी है उसको हम बहुत जल्दी ठीक करा देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कोंडल की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा।
गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।